बन रहा है, जो टिकटें घोषित की हैं उससे क्या नया समीकरण बनेगा जानेंगे। सुबोध हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने गृह मंत्री से भी बातचीत की है, क्योंकि गृह मंत्री का नाम घोषित हो चुका है, इसलिए काफी अहम हो गया है दुर्ग का चुनाव। सुबोध, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी, आपके साथ कई कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, दुर्ग की 3 सीटें 4 सीटें घोषित हो चुकी हैं, क्या लगता है अब समीकरण कैसा बन रहा है? उम्मीदवार बीजेपी के मालूम है आपको, कांग्रेस ने भी घोषित कर दिए, किस तरीके का मुकाबला देखते हैं? पाटन, नवागढ़, साजा और दुर्ग, जहां से ताम्रध्वज साहू लड़ रहे हैं। जी, अगर मोहन जी, अगर दुर्ग जिले के बारे में बात करें तो जैसे कि विधानसभा क्षेत्र थी, यानी कि कुछ विधानसभा क्षेत्र साजा और बेमतरा से भी जुड़े हुए जो जगह हैं, जैसे अगर बताया जाए कि 6.5 विधानसभा क्षेत्र तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जिस तरीके से अगर दुर्ग ग्रामीण के बारे में बात कर रहे हैं तो दुर्ग ग्रामीण के क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही एक प्रत्याशी घोषित कर दिया, दुर्ग शहर के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है और पाटन के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब आज नवरात्रि के पहले दिन, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन, जहां हर मंदिर हर घर में एक दीप ज्योति जलाई गई है, उसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपनी 30 विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट जारी कर दी है। और दुर्ग ग्रामीण के बारे में बात करें तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को इन्होंने रिपीट किया है, पूरा भरोसा जताया है कि यही वो शक्त है, यही वो नेता है, यही वो जन नेता है जो लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज कराएंगे। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ और भी जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है वो मौजूद है। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी जो है, ताम्रध्वज साहू जी के ऊपर कांग्रेस ने भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगे? ये भरोसा कितना आगे तक काबिल साबित होगा और किस तरीके से जो दर्ज बताया जाता है, जीत के आंकड़े बताए जाते हैं, कैसे होंगे? देखिए, माननीय ताम्रध्वज साहू जी हमारे जो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के विधायक हैं और आने वाले समय भी पिछले बार जितने मतों से जीते थे उससे ज्यादा मतों से जीत के आएंगे। उसके पीछे एक कारण ये है, तो जब से दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने रिसाली नगर निगम अलग बनाया और रिसाली नगर निगम में लगभग 300-400 करोड़ का विकास कार्यों को करवाया। ग्रामीण में आज जाके देखोगे दुर्ग ग्रामीण की, जो जहां पे कभी 10 फीटों की जो सड़कें हुआ करती थी, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत ग्रामों की बात कर रहा हूँ, जहां जो 10 फीटों की सड़कें होती थी वहां 30 से 40-40 फीटों की सड़कें हो रही है। गली गली में सामुदायिक भवन और जो जो पंचायत वालों ने जो मांग किया था वो सारे काम को वो करते आ रहे हैं। और रेल जी एक बात बोली कि अगर रिसाली नगर पालिका निगम जो मिसाल कायम की है गृह मंत्री ने कि उसे एक नया रूप दिया रिसाली क्षेत्र को, तमाम सड़कें और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसे अमली जामा बनाया और लोगों की सुविधाओं का विस्तार हुआ, एक बड़ी बात है। जैसा कि जहीर जी ने कहा कि ये जो आधारभूत सुविधाएं हैं रिसाली नगर निगम क्षेत्र में, वहां लोगों को इजाफा हुआ है, वो सुविधाएं मिली। इस बारे में बात करने के लिए और भी कार्यकर्ता मौजूद है। सबसे पहले तो जहीर जी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से युवाओं के बीच, एक बुजुर्ग होने के बाद भी युवाओं के बीच पूरे जोश खरोश के साथ ये अपने विकास कार्यों को अंजाम देने में लगे रहते हैं और युवाओं के बीच भी एक जगह बना रखी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या इस बार युवा ताम्रध्वज साहू जी को रिपीट करेगा? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को मैं देना चाहता हूँ। और युवाओं की जो बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, उनकी जो सरल स्वभाव है, जिसके कारण से वो जितने भी हमारे यहाँ युवा हैं उनको अपने बच्चे की तरह से वो देखते हैं और उनके हर सुख दुख में वो सामने रहते हैं और कभी भी कोई ऐसा माहौल नहीं आया है कि हम लोगों को कोई अगर कोई परेशानी हो तो उसमें हमारे माननीय मंत्री जी हमारा साथ ना दिए हों। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि दिल से जुड़े हुए हैं ताम्रध्वज साहू जी सभी युवाओं के साथ। टीटू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो रिसाली क्षेत्र है उसका पहले रूप क्या था, अब क्या रूप है, क्या दस्तूर है, किस तरह के परिवर्तन अब वहाँ देखने को मिल रहे हैं? देखिए सुबोध जी, आप खुद रिसाली के रहवासी हैं, ठीक है। 15 साल पहले ये एक बंजर जमीन थी बीजेपी शासन में, जिसे एक पालक के रूप में हमें मिला ताम्रध्वज साहू जी का आशीर्वाद। हम उन्हें बाबूजी बोलते हैं। बाबूजी ने एक बगिया को हरा भरा किया है रिसाली को। एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ, हम जिस वार्ड में रहते हैं हर एक घर में उनको इतना प्यार मिला है कि जनता ने स्वयं बोला है, पिछली बार 27,000 वोट से लीड किए थे, इस बार 50,000 की लीड, जनता बोल रही हम देंगे। विश्लेषण जानना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा प्रतिक्रिया रही कार्यकर्ताओं की। जी जी
सुबोध जी, एक विश्लेषण के रूप में बताइए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव में हैं, दुर्ग से ताम्रध्वज साहू मैदान में हैं, साजा में घोषित हो चुका है, नवागढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं रुद्रगुरु, ये चार अनिला भेड़िया भी है आपकी बाजू से क्षेत्र से, ये चार पांच जो बड़े नाम हैं चुनाव में उतर चुके हैं, इसका कितना असर होगा और भाजपा को पटकनी देने में कामयाब रहेगी क्या कांग्रेस इन बड़े चेहरों के आधार पर? जिस तरीके से मोहन जी आपने एक बेहतरीन सवाल पूछा कि आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, अनिला भेड़िया जी हैं, अगर वैशाली नगर की बात करें और पाटन की बात करें, तो जिस तरीके से जो अभी टिकट का वितरण हुआ है और पुराने अगर विधायकों की बात करें तो एक एक मजबूत गढ़ बनता सा दिखता है कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्ग जिले में। जो लगातार विकास साधी जो कार्य को अंजाम दिया गया है वो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं का कहना है कि वही विकास के कार्य आज उनके जीत का आधार बनेंगे, जीत का माप बनेंगे। मोहन जी ठीक है, ये उनके सामने कौन कौन है उसको लेकर थोड़ा आप विश्लेषण कर सके तो हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आएगा। नवागढ़ में, साजा में, दुर्ग में समीकरण जो बीजेपी का उम्मीदवार है कैसा दिख रहा है, दुर्ग ग्रामीण में और पाटन में? देखिए, दुर्ग ग्रामीण और शहर की बात करें मोहन जी, तो जिस तरीके से दुर्ग ग्रामीण में ललित चंद्राकर जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर युवा नेता हैं उनके ऊपर बीजेपी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय समिति ने जब तय किया कि ललित चंद्राकर को यहां पर टिकट देने से एक बढ़त मिल सकती है, जीत दर्ज हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के अपने कयास हैं कि उसके वे अपने नेताओं पर जो जमीन से जुड़े पुराने जो कार्यकर्ता रहे हैं उन्हें उन नेताओं पर उन्होंने भरोसा जताया और ऐसा माना जा सकता है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर भी दे सकने की स्थिति में है। क्योंकि अगर बात करें पिछले जो 15 साल के कार्यकाल है तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उस 15 साल के कार्यकाल को लेकर जो विकास कार्य किए गए थे या तमाम तरह की बातें की गई थी उन्हें आधार मानकर वो जनता के बीच जाए। हालांकि इस 5 साल में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो काम किया गया है उन 15 साल यानी कि 5 साल बना 15 साल की स्थिति दिखती है तो एक बड़ा चुनौती भी माना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसे ये भी माना जा सकता है कि 5 साल के कार्यकाल में जो कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए हैं वह 15 साल के दरमियान नहीं किए गए थे, ऐसे कार्यकर्ताओं का कहना है। और अगर नवागढ़ के बारे में बात करें तो जिस तरीके से नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए गुरु रुद्र कुमार जी को चयन किया गया, उन पर भरोसा जताया गया है तो, और उन्होंने अहिवारा क्षेत्र में जो विकास कार्य किए थे उनके युवाओं के बीच में उनकी एक अच्छी पकड़ देखी गई थी, महिलाओं के बीच में अच्छी पकड़ देखी गई थी और नवागढ़ में भी जाकर उसी अनुरूप वो उस तरह के विकास कार्यों को अंजाम देंगे तो कांग्रेस पार्टी को और एक मजबूत स्तंभ जो नवागढ़ का माना जाता है वह मिल जाएगा। और अगर दुर्ग शहर के बारे में बात करें तो दुर्ग शहर का हालांकि प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, जिस तरीके से नामों का उल्लेख चल रहा है जिसमें कि मोतीलाल वोरा जी के पुत्र अरुण वोरा पर भरोसा जताए जाने की बात कही जा रही है कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक गलियारों में, तो एक बड़ा प्रश्न ये भी होता है कि आप 42 साल के इस राजनेता वापस उस सीट को जीत कर कांग्रेस पार्टी की सत्ता को छत्तीसगढ़ में काबिज करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। आप अगर भिलाई नगर के बारे में बात करें तो देवेंद्र यादव का नाम सबसे पहले लिया जाता है, हालांकि ईडी की दबिश की वजह से उनके नाम पर कहीं पर एक अंडरलाइन पर दिखाई देता है कि अगर इस बीच ईडी की कोई कार्रवाई होती है तो आखिर किस तरीके से प्रत्याशी चयन के जो जो प्रयास हैं उसे अमलीजामा पहनाया जाएगा या अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और अगर बात करें साथ की अगर पाटन क्षेत्र में तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुर्ग सांसद विजय बघेल काफी कोशिश कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं सीएम भूपेश बघेल को, लेकिन जो सीएम भूपेश बघेल का चेहरा है युवाओं के बीच में, अन्य समाज के पदाधिकारियों के बीच में, समाज वर्ग के बीच में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से एक अलग दर्जा अलग जगह उन्हें मिलती है। तो ये दोनों ही जो 6 सीट हैं ये 6 सीटों में चुनौतीपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है मोहन जी। ठीक है, तो काफी चुनौतीपूर्ण ये मुकाबला है और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। खास बात यह है कि जिनकी टिकट कटी है वो कौन चेहरे हैं हम कोशिश करेंगे वो बताने की। और सुबोध आपने हमें अपना समय दिया, आप खबरों पर नजर बनाए रहिए, आपके पास फिर से लौटेंगे कुछ देर बाद, लेकिन अभी हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि कांग्रेस की जो सूची